लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद नित नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पंजाब से किसी भी किसान को उत्तर प्रदेश न आने देने का आग्रह किया है, वहीं दूसरी ओर रेलवे ने भी बढ़ते हंगामे को देखते हुए लखीमपुर जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इस बीच खबर यह है कि शिवपाल यादव पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। वहीं पूर्व कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सीतापुर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी जाने के प्रयास में थे, लेकिन फिलहाल उन्हें रोका गया है। कोई भी दल चुनाव से पहले हुए इस कांड को हाथों हाथ लेना चाहता है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में जाखड़ ने लिखा कि जैसे 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद जनता पार्टी खत्म हुई थी, वैसे ही 3 अक्टूबर 2021 को प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से भाजपा के अंत की शुरुआत है। इस पूरे मामले को देखते हुए लग रहा है कि इतने जल्दी ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है, और तब जब उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।